Today I am going to tell you how to pair a Bluetooth device in Windows. Windows में Bluetooth device को कैसे pair करते हैं किसी दूसरी device से. You can pair all kind of Bluetooth device with your PC. Keyboard, mouse, phone, speaker, printer, scanner and etc. इतनी चीज़ें हमने आपको बताई. इसके अलावा भी जो भी electronic device आजकल आते हैं उसमें Bluetooth की facility रहती है जिसके through आप अपने दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ सकते हैं. इवन दो कंप्यूटर भी आप आपस में जोड़ सकते हैं. टू डू दिस योर पीसी नीड टू हैव अ ब्लूटूथ. उसके लिए आपके पीसी में ब्लूटूथ होना चाहिए और उसको बिफोर यू स्टार्ट मेक श्योर दैट योर विंडो पीसी सपोर्ट ब्लूटूथ. और उसके लिए विंडो पीसी जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ब्लूटूथ को सपोर्ट करना चाहिए. सम पीसी सच एज लैपटॉप एंड टैबलेट हैव अ ब्लूटूथ बिल्ट इन. If your PC doesn't, you can plug a USB Bluetooth adapter into the USB port on your PC to get it. और अगर आपके पास Bluetooth नहीं है तो USB Bluetooth adapter use करके आप USB port में connect करके PC में Bluetooth use कर सकते हैं. Turn on Bluetooth. अब Bluetooth अगर है तो उसको on कैसे करें, उसके लिए सबसे पहले आपको start menu में जाना पड़ेगा. वहाँ पर setting में जाना पड़ेगा. वहाँ पर Bluetooth and device को सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन टर्न ऑन ब्लूटूथ. और वहाँ पर ब्लूटूथ को टर्न ऑन करना पड़ेगा. टू क्विक सेटिंग टू फाइंड द क्विक सेटिंग फॉर ब्लूटूथ सेलेक्ट द नेटवर्क आइकॉन नेक्स्ट टू द टाइम एंड डेट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर टास्क बार. सेलेक्ट ब्लूटूथ टू टर्न इट ऑन. इफ इट्स टर्न ऑन विदाउट एनी ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड इट माइट अपियर एज नॉट कनेक्टेड. और अगर कोई ऐसा डिवाइस जो आपके आसपास है तो वो अगर उसमें ब्लूटूथ नहीं है तो नॉट कनेक्टेड आ जाएगा. और अगर है उसमें ब्लूटूथ तो वो उसको सर्च कर लेगा और आपको कनेक्ट करने में इजीली हेल्प करेगा. टू पेयर अ ब्लूटूथ डिवाइस टर्न ऑन योर ब्लूटूथ डिवाइस एंड मेक इट डिस्कवरेबल. द वे यू मेक इट डिस्कवरेबल डिपेंड्स ऑन द डिवाइस. चेक द डिवाइस और विजिट द मैन्युफैक्चरर वेबसाइट टू लर्न हाउ. और अगर नहीं हो पाता है तो आप मैन्युफैक्चरर साइट पर जाकर ब्लूटूथ की डिवाइस को कनेक्ट कैसे करें देख सकते हैं. ऑन योर पी सी सेलेक्ट स्टार्ट सेटिंग ब्लूटूथ डिवाइस एड डिवाइस एंड ब्लूटूथ. अब जाके सेटिंग में ब्लूटूथ और डिवाइस करिएगा तो वहाँ पे आपसे डिवाइस पूछेगा कि कौन सा डिवाइस आप ऐड करना चाह रहे हैं. वहाँ पे आप उस डिवाइस को ऐड कर सकते हैं. चूज द ब्लूटूथ डिवाइस फॉलो एडिशनल इंस्ट्रक्शन इफ दे अपीयर्स एंड देन सेलेक्ट डन. और फिर जैसे ही आप चूज करिएगा डिवाइस को तो वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा जिसको आप फॉलो करिए और डन कर दीजिए. आपका डिवाइस ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा. ज़्यादातर ब्लूटूथ डिवाइस पीसी में ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं. तो पेयर ब्लूटूथ हेडसेट स्पीकर और अदर ऑडियो डिवाइस. टर्न ऑन योर ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस एंड मेक इट डिस्कवरेबल. द वे यू मेक इट डिस्कवरेबल डिपेंड ऑन द डिवाइस. On your PC, select Start Setting Device, Bluetooth or other device, add Bluetooth or other device, and then Bluetooth. Choose the device and follow additional instructions. They appear and then select Done. अब इसको सर्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले अपना यहाँ पर जा करके आप सर्च करिए Bluetooth. ये देखिए आ गया. ब्लूटूथ करिएगा जब आप. ये देखिए ब्लूटूथ सेटिंग आ जाएगी. जब आप ब्लूटूथ सेटिंग में जाइएगा तो ये देखिए यहाँ आ गया मैनेज ब्लूटूथ डिवाइस. यहाँ पे ऑफ इसको ऑन कर दीजिए और जिस डिवाइस को आपको करना है उसमें भी ब्लूटूथ को ऑन कर दीजिए. ये देखिए मेरा रेडमी आ गया, पेयर हो गया ऑटोमेटिकली. अब इसमें आप और कोई डिवाइस करना चाहते हैं, प्रिंटर और स्कैनर लेना चाहते हैं वो पूछ लीजिए, माउस और टच पैड लेना चाहते हैं वो पूछ लीजिए. जो चीज़ आप सेलेक्ट करिएगा वो चीज़ वो ब्लूटूथ आपका पेयर कर देगा. इस समय देखिए मेरा फ़ोन पेयर हो गया. तो इस तरह से आप अपने डिवाइस को पेयर करके ब्लूटूथ यूज़ करके अब यहाँ से फ़ोन में से आप कोई भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं.
अभी हमको कुछ नहीं भेजना है, इसलिए यहाँ पे ब्लूटूथ ऑफ कर दिया, बाहर आ गए। और आगे अब देखते हैं क्या है। टू पेयर अ ब्लूटूथ कीबोर्ड माउस और अदर डिवाइस, अभी आपको हमने दिखाया कि वहाँ पे आप अपना कोई जो डिवाइस सेलेक्ट करिएगा उसके रिगार्डिंग आपसे वो क्वेश्चन करेगा और क्वेरी करेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करके वो रूल आपको आगे डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसमें सबके स्टेप यही है, स्टार्ट करेंगे, सेटिंग करेंगे, डिवाइस करेंगे, ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस करेंगे, ऐड ब्लूटूथ और अदर डिवाइस करेंगे और ब्लूटूथ दबा लेंगे, तो वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा, चाहे वो प्रिंटर स्कैनर हो, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो। तो पेयर अ ब्लूटूथ डिवाइस यूजिंग स्विफ्ट पेयर, अब स्विफ्ट पेयर से भी आप ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। If the Bluetooth device supports Swift Pair, receive a notification when it's nearby and you put it into the pairing method to make it discoverable. और Swift code जब वो पूछेगा तो Swift Pair जब वो पूछेगा तो आपसे Swift code आप उसको जब दीजिएगा तब वो आपका Bluetooth को आपके device से connect कर देगा। इसके लिए turn on Bluetooth device supports Swift Pair and make it discoverable. The way you make it discoverable depend upon the device. If this is your first time using Swift Pair, select yes and ask if you want to get notification and use Swift Pair. Then the notification appears that new Bluetooth device was found and select connect. अब notification जब आएगा तो वो connect करने के लिए पूछेगा, आप connect कर दीजिएगा तो आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद इसको क्लोज कर लीजिएगा। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आई टी इन्फॉर्मर। फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। फॉलो माय टेलीग्राम चैनल टेक रतन। गो टू कम्युनिटी एंड कमेंट ऑन वीडियो एंड आस्क क्वेश्चन इफ एनी इन कमेंट। सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टुडे। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब and must comment on my video how you find it. Thank you.